पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तरह तरह के रोमांटिक सीन भी सामने आ रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरी सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां तृणमूल खेला होबे के धुन को अपना चुनावी टीम बनाकर विरोधी दलों को मात देने के लिए जगह जगह कैंपिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी जय श्री राम के नारे से अपनी केंद्रीय टीमों के सहारे तृणमूल को मुंह तोड़ जवाब देने में लगी है। और इसी बीच बंगाल के बांकुड़ा और आसनसोल से तृणमूल नेताओं की दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन तस्वीरों में चुनावी अखाड़े में ममता का खेल खराब किया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अफरोज की, जिन्होंने आसनसोल में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं को आमंत्रित किया। मंच पर खेला होबे का धुन बज रहा था, ऐसे में सैयद अफरोज खेला होबे के धुन पर जमकर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने मंच पर एक महिला कार्यकर्ता को भी बुला लिया। इस महिला को वह डांस के बहाने जानबूझकर धक्का लगाने लगे। वहीं अगर हम बात करें हुगली जिले के तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की, तो उनका बांकुड़ा में कार्यकर्ता सभा के दौरान बांकुड़ा की महिला विधायक डिप्रा संपा के गला खींचते हुए नजर आए। तृणमूल के ये दोनों नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और विरोधी दल तृणमूल नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार में महिलाओं को असुरक्षित होने के दावे कर उन्हें घेरने में लगे हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।